चेदी वंश के क्रम पर थोड़ी सी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि अशोक के समय, ठीक है, अशोक के समय देखिएगा, ये पाटलिपुत्र दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, और यहीं पर देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये उड़ीसा का हिस्सा है, इसको बोलते हैं कलिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कलिंग जो है यहां पर नंदराज नामक व्यक्ति था, आपको याद होगा, जिसको किसने हराया था, अशोक ने हराया था, नंदराज को हराया था अशोक ने, कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद लगभग 1,00,000 लोग को मार दिया, ठीक है, और उसके बाद 1,50,000 लोग सैनिक को कब्जे में, ठीक है, बंदी बना लिया। इस तरीके से अशोक जब एक क्रूर राजा के तौर पर इस क्षेत्र को जीता था तो ये उसके अधिपत्य के अंदर आते थे पहले, ठीक है। लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी जब कमजोर होते चले गए तो उसके बाद कलिंग क्षेत्र में, याद रखिएगा, कलिंग क्षेत्र में जो वंश था आपका चेदी वंश, इसने बोला कि अब कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, अब हम अपना राजे हैं, ठीक है, यानी अपना राजा बन गया ये। और इस क्षेत्र में जो है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में इसने अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया, किसने, चेदी वंश ने, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही कहानी आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ उनमें कमजोरी आई, वैसे छोटे छोटे राजवंश ने अपने आप को आज़ाद कर दिया है, और आज़ाद कर दिया, इनको मिलाकर मौर्योत्तर काल कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं में एक राजा है चेदी, ठीक है, याद रखिएगा, चेदी वंश, ठीक है, और ये कहाँ पर है, कलिंग में है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आपके दिमाग में चेदीगढ़ और छत्तीसगढ़ जुड़ता होगा, वो मध्य प्रदेश की तरफ उसका विस्तार है, वो अलग है, ठीक है, ये कलिंग है, ठीक है, कलिंग का क्षेत्र है। और याद रखिएगा, कलिंग के चेदी वंश का जो क्षेत्र है, इसमें नंदराज के समय से जो कहानी घटती चली जा रही है, ठीक है, तो इसके समय में हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो डेवलप होता है, यानी कि चेदी वंश का डेवलपेशन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिएगा, इसमें जो देसी राजवंश है इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कलिंग के चेदी वंश में। तो सबसे पहले देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ है उनमें कलिंग का चेत वंश या चेदी वंश भी शामिल था, ठीक है। तो इसको चेती या चेत या चेदी वंश से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, खारवेल, बस यहाँ पर एक ही बात आएगी आपके दिमाग में कि चेदी वंश मतलब खारवेल और खारवेल मतलब हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है। ये तीन कनेक्शन बना के रखिएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखिएगा, मौर्य काल में ही अशोक के पूर्व कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है, यानी अशोक से पहले जब नंदराज रहा करता था तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक था यहाँ पर, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद यह राज्य अशोक के नियंत्रण में चला गया, ये तो सभी जानते हैं, 261 में हुआ था यह युद्ध, ठीक है। और परंतु अशोक के पश्चात उसके नियंत्रण के सभी राज्य धीरे धीरे क्या हुए, स्वयं को स्वतंत्र करना चालू किए, और उसमें एक राज्य था आपका कलिंग राज्य। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कलिंग का खारवेल, बस आगे पहुंच गया यहां तक। तो देखिएगा, कलिंग का खारवेल, याद रखिएगा कि चेदी वंश का महान शासक उदयगिरी की पहाड़ी का क्षेत्र है भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, यहाँ पर इसका अभिलेख है हाथी गुंफा अभिलेख, इसको समझिएगा, ये क्या है, गुंफा का मतलब क्या होता है, केव, गुफा, ठीक है। लेकिन इसको हाथी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाथियों की रहने लायक जगह हुआ करती थी, काफी बड़ा था, तो हाथी गुंफा अभिलेख, याद रखिएगा, यही कारण इसका नाम रखा गया है हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है। तो हाथी गुंफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, इसके जीवन क्रम की जानकारी मिलती है। जिस समय दक्कन में सातवाहन वंश का उदय हो रहा था, ठीक उसी समय कलिंग में चेदी वंश का उदय हो रहा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने पढ़ाया भी है कि एक तरफ आपका सातवाहन वंश है तो एक तरफ उसके पूर्व में क्या है, कलिंग वंश है, ठीक है, कलिंग का चेदी वंश है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो याद रखिएगा उदयगिरी की पहाड़ी में है आपका हाथी गुंफा अभिलेख, और हाथी गुंफा अभिलेख जो है बहुत विशेष है, याद रखिएगा, भारत के इतिहास को आधे से ज्यादा जानकारी इसी अभिलेख से मिल जाती है, ठीक है, किससे, हाथी गुंफा अभिलेख से। चलिए आगे देखिएगा इसी के, अब देखिएगा इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी, जिसमें चेदी वंश का संस्थापक कौन है, महामेघवाहन, ठीक है, याद रखिएगा, महामेघवाहन जो है ये इसका संस्थापक है। 16 वर्ष की आयु में खारवेल ने शासन संभाल लिया था, ठीक है, और 9 वर्ष तक युवराज के पद पर आसीन रहा, और खारवेल के राज्यारोहण की तिथि विवादास्पद है, संभवतः 28 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ ऐसा माना जाता है, लेकिन आप इसको याद नहीं करेंगे, याद करने वाली बात नहीं है, बस आपको क्या याद करना है, एक नाम याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई वंश के बारे में पढ़ेंगे तो पहला व्यक्ति अगर किसी का नाम आता है तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, महामेघवाहन इस वंश के पहले व्यक्ति या संस्थापक है। उसके बाद सीधे आप कहाँ पहुँच गए हैं, खारवेल के पास। खारवेल की जो राज्याभिषेक हुई है वो 16 वर्ष की आयु में हुई है, याद रखिएगा, और इसने
9 साल तक युवराज के पद पर आसीन रहा, यानी युवराज बना रहा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इसके राज्यारोहण की तिथि जो है ये कंफर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण संभवतः कहा जाता है कि 28 ईसा पूर्व यानी 28 BC के आसपास जो है इसका राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। अब इसका नाम सुनिएगा, कौन कौन सी उपाधि हुई थी, तो याद रखिएगा कलिंगाधिपति कलिंग चक्रवर्ती, ठीक है। अब हत्यकसिक की पुत्री ललाक से इसका विवाह हुआ था, ठीक है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खारवेल का नाम याद रखिएगा कि कलिंग के चेदी वंश के महत्वपूर्ण शासक के तौर पर खारवेल का नाम आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसका अभिलेख याद रखना है, हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा जनरली, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो जानकारी मिलती है, अपने शासन के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर जो मगध राज नंद राय के द्वारा खुदवाया गया था इसका विस्तार कराया और तनसूती के से कलिंग तक, ठीक है, तनसूती क्षेत्र से कलिंग तक इसका विस्तार करा दिया था। तो याद रखिएगा कि इसके संबंध में, ठीक है, प्रथम अभिलेख जो प्राप्त होता है वो हाथी गुंफा अभिलेख है, भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन फैक्ट है यहाँ पर याद रखिएगा, जिसमें तीनों फैक्ट को क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे आप, ठीक है। पहला कि अपने शासन के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर का निर्माण करवाया था जो कहाँ से कहाँ तक, तनसूती से कलिंग तक इसका विस्तार था, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा इसका जो साक्ष्य मिलता है और पहला अभिलेख है वो है हाथी गुंफा अभिलेख, जो बार बार आप सुनेंगे, और भुवनेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, ठीक है, भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो देखिए सिर्फ तीन ही बात आपको याद रखनी है कि खारवेल के द्वारा जो है पहली बार में नहर जो कि मगध राज नंद राय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो मगध राज ये नंद राय जो बोला जा रहा है ये महापद्म नंद है, नंदराज नंद राय, ठीक है। उसने, आपको पता होगा कि वहां पर मैंने बताया था अभी जस्ट 160 किलोमीटर का नहर बनवाया था, उसी का विस्तार करा दिया किसने, खारवेल ने, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा इसका जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है हाथी गुंफा अभिलेख है, और इसने भुवनेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप भुवनेश्वर मंदिर जाएंगे, काफी पुराना मंदिर है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका वाकाटक वंश, तो केवल यहीं तक आपको याद रखना है, हाँ केवल यहीं तक, इसलिए बहुत छोटा है, तीन क्वेश्चन।